हेलो ट्रेडर्स मैं हमेश गौर पांडे एंड वेलकम टू स्टॉक स्टॉक सो इस वीडियो में डिस्कस करने जाने जो भी मैंने आज के दिन में ट्रेड की है उन सबके बारे में तो जैसे की आपको पता है मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट से ट्रेडिंग करता हूँ तो जो भी मैं दिन की ट्रेड्स करता हूँ चाहे वो फॉरेक्स हो चाहे वो यूएस मार्केट्स हो चाहे वो इंडियन मार्केट्स हो तो जो भी मार्केट में मैं ट्रेड करता हूँ कोई भी ट्रेड में करता हूँ तो उसका आफ्टर मार्केट एनालिसिस मैं आपके साथ यूट्यूब में शेयर करता हूँ उससे आपको क्या हेल्प होगी मुझे क्या हेल्प होगी देखिए मेरा तो इसमें रिवीज़न जाता है और सर आपको ये हेल्प होगी कि आपको सीखने को मिलेगा कि एस एमसीट ट्रेड कैसे करते हैं आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी कैसे ट्रेड करा जाता है क्या क्या मार्केट में एक्सपीरियंस मिलता है ये सबको सीखने को मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले निफ्टी आज बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड था जैसे कि आप चार्ट में यहीं पर देख सकते हो निफ्टी ने ये हाई लगाया और थोड़ा सा ये लो लगाया इसी के अंदर ही निफ्टी ट्रेड करता रहा निफ्टी बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड था इसमें कोई भी हमको धंकी ट्रेड देखने को नहीं मिली वही बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी अभी सेम स्ट्रक्चर था कैपा ओपनिंग हुई उसके बाद बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हमको देखने को मिला था एक ट्रेड यहाँ पर से इस सप्लाई जोन से हमारी बनती थी ट्रेड लेकिन यहाँ से मेरे को कंफर्मेशन नहीं थी कि यहाँ से हमारी जो ट्रेड है वो चलेगी तो इसलिए मैंने यहाँ से ट्रेड नहीं किया एक ट्रेड और बनती हमारी जैसे कि यहाँ से लोअर हाइट लोअर लोज मार्केट बन रहे हैं इसका अगर चेंज ऑफ करेक्टर होता तो ये वाले सप्लाई जोन के आसपास से हमको एक ट्रेड मिलती ये सप्लाई जोन चल गया था लेकिन इस फिर भी यहाँ बिना चेंज ऑफ करेक्टर बनाए ही चल गया तो इसमें यहाँ पर भी मेरे को एंट्री नहीं मिली तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेकिन मेरी दो ट्रेड आज के दिन में हुई है एक मेरी हुई है टी में टीसीएस स्टॉक्स में ट्रेड किया तो टीसीएस सी के ट्रेड्स को डिस्कस कर लेते हैं टीसीएस में मेरी क्या ट्रेड रही तो टीसीएस को अगर हम देखेंगे तो टीसीएस सी में आप देख सकते हो फाइव मिनट टाइम फ्रेम में मेरे को एक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ से लोअर हाइस्ट लोअर लोस फॉर्मेशन

250 के आसपास मेरे को एंट्री मिली थी और थोड़े समय ही मैंने बुक कर दिया देखिए मैंने लिमिट ऑर्डर पहले से प्लेस किया था तो इसमें सीधे एंट्री मेरी ट्रिकर हो गई तो ये वाली ट्रेड मेरी एग्जीक्यूट हो गई थी तो टी सी एस वही ट्रेड चली थी अगर दिन पूरा होता तो मैं इतना टारगेट इसमें मिनिमम इतना लेने की कोशिश करता इस लेवल के टारगेट लेता और फाइनल में टारगेट इस लेवल तक जाने की कोशिश करता तो ये थी मेरी टी सी एस की ट्रेड एक ट्रेड मैंने और की थी टी सी एस की ट्रेड वगैरह सब अपने मैंने व्हाट्सएप ग्रुप जो तो मेबर ग्रुप है मेरा उसमें शेयर कीजिए देखिए आप टी सी एस की ट्रेड देख सकते हो टाइमिंग आप देख सकते हो टाइमिंग इसमें नाइन फोर्टी फोर आपको दिख रही दिख रही होगी यहाँ मैंने पहले ही चार्ट रेडी करके अपनी मेंबर ग्रुप में दे दिया था और निफ्टी के भी मैंने चार्ट दिए थे लेकिन यहाँ पर मेरे को एंट्री नहीं मिली वहीं एन का चार्ट मैंने शेयर किया था जो मेरी मेरी जो ट्रेड है इस ट्रेड को भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये देख तो वैसे ही मैं चार्ट अपने शेयर करता रहता हूँ अपने मेम्बर्स ग्रुप में और साथ में हम दूसरे ट्रेड की बात कर लें दूसरा ट्रेड मेरी कौन सी रही दूसरी ट्रेड मेरी रही एन लिमिटेड में एन में बहुत सी ट्रेड मेरी रही थी लेकिन इसमें ही मार्केट ने बहुत ज़्यादा होल्ड किया या रेंज बाउंड रही कोई अच्छा मूवमेंट नहीं आया तो इसमें भी मेरे टारगेट तो हिट नहीं हुआ लेकिन ट्रेड मेरी अच्छी बनी थी इसमें देखिए मार्केट में बहुत इजी स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा लर्निंग आपको एन के ट्रेड से देखने को मिल सकती है तो ध्यान से देखना है यहाँ पर अभी तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस लेवल से हमको एक बहुत बढ़िया मार्केट में स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है लोअर हाइस लोअर लूज हायर हाइस हायर लॉस का ये देखिए मार्केट में हायर हाइस हायर लॉस हायर हाइस हायर लॉस करके फॉर्मेशन हो रहे हैं और यहाँ तक हमारे हायर हाइस हाई एल हाँ ओ फॉर्म हुए हैं उसके बाद दोबारा हम कंटिन्यू करते हैं इसको यहाँ पर देखिए फिर भी हम कह सकते हैं चेंज ऑफ करैक्टर टाइप हल्का सा है या हम ऐसे ले सकते हैं थोड़ा ओवरऑल बिगर स्ट्रक्चर में हायर हाइस आई एल ऐसे करके और यहाँ पर हम देख सकते हैं इक्वल हाइज मार्केट ने फॉर्म किए कह सकते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चेंज ऑफ करैक्टर यहाँ पर हमको चेंज ऑफ करैक्टर देखने को मिलेगा तो इसमें जहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर इस वाले मूव से आप कह सकते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है तो यहाँ पर हमको एक अच्छा सप्लाई जोन देखने को मिलेगा सप्लाई जोन में मार्क कर लेता हूँ आपके लिए सप्लाई जोन मेरा था ये वाला ये वाले सप्लाई जोन में मैंने ट्रेड लेने की सोची थी यहाँ पर मेरे को एंट्री मिली टारगेट मेरा बहुत नीचे था लेकिन मार्केट रेंज बाउंड था या कोई भी अच्छा इसमें मूव नहीं था तो मेरे को एक अच्छा टारगेट नहीं मिला या टारगेट पूरा नहीं मिला लेकिन इसमें अच्छी खासी मेरे को एक मूव देखने को मिल गया और अच्छी खासी मेरी ट्रेड इसमें चल गई थी देखिए मैंने जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया एन की ट्रेड भी मैंने अपने मेम्बर ग्रुप में शेयर कर दी थी ये देखिए यहाँ पर मैंने चेय चार्ट शेयर कर दिया था और अच्छी खासी मेरी एन की भी ट्रेड रही स्टॉप लॉस मेरी कोई हिट नहीं हुए लेकिन मेरी ट्रेड्स जो थी वो अच्छी खासी चली थी लेकिन इंडियन मार्केट में यही दिक्कत है एस की कि कभी भी मार्केट जैसे ओवर हो जाती है जैसे अब होगा गैप डाउन गैप गे ओपनिंग हो जाएगी उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते तो ये सेटअप मेरा पूरा ख़राब हो जाएगा तो यही दिक्कत है थोड़ी एस की और वहीं मेरे पास फॉरेक्स के बहुत सारे सेटअप्स हैं सेटअप्स की मैं क्या बात करूँ सेटअप का डिस्कस करेंगे जब ट्रेड हो जाएगी फिर मैं आपको सेटअप्स दिखाई दे फॉरेक्स में मेरे पास बहुत सारे सेटअप्स पड़े हैं लेकिन अभी भी किसी में एंट्री नहीं मिली है मेरे को फॉरेक्स में जी पी में मेरे पास सेटअप पड़ा है यूरो में सेटअप पड़ा है यू एस में मेरे पास एक सेटअप पड़ा है और साथ में यूर यूएस मार्केट्स में भी मेरे पास बहुत सारे टेस्ट पड़े हैं यू मार्केट्स तो बिल्कुल कह सकते हैं सीधी ऊपर चल रही है यूएस मार्केट्स में तो एंट्री ही बहुत करना बहुत मुश्किल हो रहा है देखिए मैं आपको यूएस मार्केट शो करता हूँ एक बार देखिए यूएस मार्केट्स में इतने डिमांड जोन्स मैंने मार्क किए हैं इतने लिक्विडिटी जोन्स मैंने मार्क किए हैं लेकिन कोई भी मेरे को इसमें एंट्री नहीं मिल पा रही है इतना ज़्यादा हो चुका है ये एक डिमांड जोन और हल्का सा काम कर जाए क्या पता कोई कहीं हर डिमांड जोन में एंट्री करने की भी आप सोचो ना तो भी एंट्री नहीं मिली इतनी ज़्यादा मार्केट बोलिस हो चुकी है इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है लॉक जोन्स में भी ट्रेड करने के लिए तो ये वाला अगर हम मार्क करके भी चलें ये वाला डिमांड जोन तो देखते हैं ये वाला चलेगा नहीं चलेगा आपको अगली वीडियो में बता दूंगा ये डिमांड जोन का क्या रहा मुश्किल लग रहा है लेकिन चल सकता है अगर जितनी बुलिस टाइप की मार्केट अगर चल रही है इतनी बुलिस मार्केट में ये डिमांड जोन भी हमारा वर्क कर सकता है तो यही था इस वीडियो में वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और एक इंपॉर्टेंट बार मैं आपके संग डिस्कस कर लेता हूँ मेरा एक मेंबर ग्रुप है जो व्हाट्सएप में जिसमें मैं आपके साथ अपनी जितनी भी ट्रेड्स होती हैं चाहे वो इंडियन मार्केट्स हो यूएस मार्केट्स हो और फॉरेक्स हो सारे ट्रेड जिसका करता रहता हूँ जैसे ट्रेड डिस्कस क्या करता हूँ मैं अपने चार्ट्स जो भी होते हैं जो भी मार्केट्स में मैं ट्रेड करता हूँ अपने चार्ट बिफोर अपनी ट्रेड से, से शेयर कर देता हूँ तो उससे आपकी क्या हेल्प होगा आप उससे ऑब्जर्व कर सकते हो उसको चार्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो लर्न कर सकते हो और साथ में जैसे ही मेरी ट्रेड ओवर हो जाएगी मैं आपको उस चार्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा देखिए ग्रुप का मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं कॉल्स प्रोवाइड बैठूँ ग्रुप का मेन मोटिव है लर्निंग लर्निंग ग्रुप का मेन मोटिव अगर आपको सीखना है तो आप मेबर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं मैं डिस्कशन चलते रहते हैं एस से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज होती है फिर कोई भी चार्ट्स होते हैं मैं सब क्लियर करता रहता डाउट्स क्लियर करता रहता हूं और साथ में अपने भी चार्ट सेट करता रहता हूं ताकि आपको एक्सपीरियंस मिले मार्केट का तो मैसेज में में कर, में में कर सकते हैं आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा ग्रुप के चार्जेस की बात करें ग्रुप के चार्जेस है बस थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज फॉर टू मंथ्स टू मंथ्स का आपको मिल जाएगी थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज में तो यही था इस वीडियो वीडियो को लाइक कर वीडियो से लेनेजाग्राम प्लस टेलीग्राम पर करना स्विंग ट्रेडिंग पर इंटरटे के चार्ट शेयर करता रहता हूं थैंक यू फॉर वॉचिंग